ओके दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। आज मैं बात कर लेता हूँ कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने बनाया था कि मूवी रिकॉर्ड करने के लिए जो कुछ अलग तरीका इस्तेमाल करा जाता है, गिम्बल कहते हैं इसको, कैमरा क्रेन कहते हैं। तो इसके बारे में मैं दिखाता हूँ कि मैंने आज मैंने इसको ऑटो बैलेंस कर दिया है। किस तरीके से, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये मूव कर रहा है। मैं पहले सही व्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जी हाँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं हल्का से इसको एक पुश करता हूँ, धक्का दिया, ये मेरा ऑटो बैलेंस तरीके से मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है एक वेट से, जो इस वेट की, हमारा वेट उतने ही केजीज का है जितना कि इसको फोर्स रिक्वायर्ड है और अप्स एंड डाउन जाने के लिए। आप देख सकते हैं, मैं हल्का सा यहाँ पर प्रेस करूँगा ये अपने आप, देख सकते हैं आप, इजी वे में मूव करेगा। मैं इसको लेफ्ट कर कर छोड़ दूंगा तो ये लेफ्ट ही घूमता रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है, इजी वर्किंग है, कितना इजीली ये मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं, आपसे फिल्म शूटिंग करने में आपको कितना मज़ा आने वाला है। तो ये उसी वीडियो का पार्ट था, लेकिन मुझको अगले दिन डालना पड़ा क्योंकि मुझको टाइम लगा इसमें। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। बैकग्राउंड के लिए मैं सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, बैकग्राउंड थोड़ा ख़राब हो गया है, कोई बात नहीं। बट मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से इसकी वर्किंग है। बाकी कल मैं दिन में ऊपर अच्छी सनलाइट में इसकी वीडियो बनाकर आपको डालूँगा। जब तक के लिए हमारी धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आप ऐसी नए आइडिया से जुड़ सकें। ओके, थैंक यू फॉर शॉर्ट वीडियो। अब नेक्स्ट।